बच्चों, पिछले क्लास में हमने कर लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के कंडीशंस। तीन कंडीशंस आपको बताए थे और उसके हिसाब से आपको बोला था कि आप चेक कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। हमने आपको बोला था आगे हम लोग स्पाइरेन्स और क्यूमुलिन्स के बारे में बात करेंगे और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होना चाहिए। आई होप आप रिविजन करके आए होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स। तो सबसे पहली बात जो रिवीजन करके नहीं आए हैं उनके लिए है, क्यूमुलिन्स होते क्या है, व्हाट आर क्यूमुलिन्स। तो क्यूमुलिन्स क्या है, द मॉलिक्यूल्स विच हैव टू और मोर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलिन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यूमुलिन हो गया, कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, एक यहां पर एक यहां पर, दो डबल बॉन्ड है, लगातार होना चाहिए। ये भी क्यूमुलिन हो गया, इसमें लगातार तीन डबल बॉन्ड है, लगातार डबल बॉन्ड होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, वैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन्स। तो अब सोचेंगे यहां पे कंडीशन देखेंगे कि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के या नहीं हो रहे। तो शुरुआत करते हैं इससे, पहले कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड में आप क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन क्या था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, अग्री। सेकेंड कंडीशन क्या था, जो टर्मिनल कार्बन है जिसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वहां पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। खैर, अभी के लिए मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लेते हैं, मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड कंडीशन हमारा क्या था, थर्ड कंडीशन हमारा था कि रिलेटिव लेंथ अनइक्वल होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना था, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या दिखेगा। तो सबसे पहले इस डी, इस कार्बन और इस सी को एक प्लेन पे मान लेते हैं, मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे डी हो गया, यहां पे सी हो गया, यहां पे कार्बन हो गया, कोई प्रॉब्लम, एसपी टू है ये, नो इश्यूज, ये sp है, ये sp2 है, sp2 है मतलब ट्रायंगुलर प्लेन है, दैट मींस तीसरा जो कार्बन है वो यहीं कहीं पर आएगा, इसी प्लेन पे रहेगा, कोई इश्यू इस चीज में, पाई बॉन्ड जो बनाएगा इसके परपेंडिकुलर प्लेन के बनाएगा। लेट से फॉर एग्जांपल py से बना रहे हैं पाई बॉन्ड, p और बाइटल के लैटरल ओवरलैप से ही बनता था आपका पाई बॉन्ड, तो ये प्योर वाइटल है, इसका ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। मैं मान लेता हूं ये पीवाई है, ये पीवाई है, ये दोनों ओवरलैप किए और पाई बॉन्ड बन गए, कोई इश्यू इस चीज में नहीं। अब ये कार्बन का पिछले वाले कार्बन से कनेक्टिविटी हमने देख लिया, कोई इश्यू नहीं है, ये आपका तीन बॉन्ड इस कार्बन के पहले कार्बन के बन गए, दूसरे कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, हम आगे मूव करने जा रहे हैं। दूसरा कार्बन देखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, देखें पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। अभी पाई बॉन्ड क्या हो सकता है ये थोड़ा सोचेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनना है, दैट मींस ओवरलैपिंग होगा किसका, या पी और पाइटल का। अब या तो पी एक्स हो, या तो पी वाई हो, या तो पी जेड हो, किसी का भी ओवरलैपिंग होगा तो आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्बन का पी वाई
इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, पी वाई ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स ये इसका वाई पी वाई पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका अवेलेबल क्या है, मान लेते हैं पी जेड अवेलेबल है, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको पी जेड बोल देते हैं, तो इस कार्बन का भी पी जेड ओवरलैप करेगा इससे, करेक्ट, कोई इशू। और जब ये PZ ओवरलैप कर गया, दैट मींस बाकी जो दो बॉन्ड बनने हैं इसके, एक प्लेन के ऊपर चला जाएगा, दूसरा प्लेन के नीचे चला जाएगा। तो ये क्या था, A और B, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, और यही आपका इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, पहला कार्बन देखेंगे, पहला कार्बन sp2 था, ट्रायंगुलर प्लेनर आपको बनाना था। आपने क्या किया, एक प्लेन बनाया, उस प्लेन पे आपने कर दिया ये कार्बन है, डी है, सी है, तो चौथा आइटम भी जो रहेगा वो इसी प्लेन पे रहेगा, कोई इशू नहीं है, क्लियर। और पाई बॉन्ड जो आपने बनाया वो मान लिया कि ये पीवाई पीवाई के ओवरलैप से बनता है। अब देखते हैं हम सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन मतलब जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब लीनियर होना चाहिए, एक बॉन्ड तो ये बना ही चुका है कार्बन, दूसरा बॉन्ड लीनियर है तो सामने ही की तरफ रहेगा, एक सामने बना लिया, ये कार्बन हम रिप्लेस कर दिया। अब हमें सोचना है कि पाई बॉन्ड कौन बनाए। जब हम पाई बॉन्ड के बारे में सोचेंगे तो सेंट्रल कार्बन देखिए, सेंट्रल कार्बन ऑलरेडी पी वाई से पाई बॉन्ड बना चुका है, दैट मींस इसके पास अगर खाली होगा तो या तो पीएक्स होगा या तो पीजेड होगा, पी वाई तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि चलो पीजेड से ये पाई बॉन्ड बना रहा है, जब इसका पीजेड यूज हो रहा है तो ओवरलैप के लिए बगल वाले कार्बन का भी पीजेड यूज होगा, तो इसका भी पीजेड यूज होगा। अब ये ठहरा कौन सा प्लेन, एग्जिट प्लेन था, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर तो वाई मान लिया हमने, ये एग्जिट प्लेन हो गया। अब ये जेड एक्सिस पे पाई बॉन्ड है, दैट मींस ये जो कार्बन ए और बी होगा ये कौन से प्लेन पे होगा, जेड तो नहीं हो सकता ना उस प्लेन का पार्ट, ये कौन से प्लेन का होगा पार्ट, एक्स वाई प्लेन। बात आ रही है समझ, तो यहां पर आप देखें यहां पे पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग है, यहां पे पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग है, जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। एक बार फटाफट नोट करें फिर इसको और डिटेल में दिखाते हैं यहां पे क्या चल रहा है। डी सी PY से PZ से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, और ये आपका प्लेन ऑफ पेपर था। जब आप ये प्लेन देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, A वाला जो बॉन्ड है वो ऊपर है, वेज बॉन्ड है, वेज बॉन्ड है मतलब प्लेन के ऊपर होगा, B वाला बॉन्ड जो है जो कार्बन का B से कनेक्टेड है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स डैश बॉन्ड है, प्लेन के नीचे होगा। अब आप क्या करें, इस पर्टिकुलर सी एटम से उन दोनों का डिस्टेंस मेजर करें, तो सी का बी से दूरी देखेंगे, ध्यान देंगे सी प्लेन का पार्ट है, ये प्लेन पे है, और बी क्या है, प्लेन के नीचे है, एकदम मिड में प्लेन के नीचे है, करेक्ट। उसी तरह से सी से ए का दूरी देखेंगे, ये दूरी, जब ये दूरी देखेंगे तो वापस से वही लॉजिक लगेगा, कार ये जो सी है ये प्लेन का पार्ट है और जो ए एटम है वो वेज बॉन्ड है, मतलब प्लेन के ऊपर जा रहा है एकदम मिड में। आप देखिए यहां पे मिड में आ रहा था कार्बन, तो कार्बन के ऊपर के साइड रहेगा, दैट मींस अगर इसको L1 माने, इसको L2 माने, तो L1 इक्वल टू L2 आ रहा है, जो लेंथ है वो बराबर आ रही है, दैट मींस रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं हो रहा है, सॉरी बराबर हो रहा है, जो रिलेटिव डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में, वो यहां पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है,
जब ये बराबर हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा शो? क्योंकि यहां पे L1 इक्वल टू L2 है, रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल है ग्रुप का, क्लियर? दैट मींस ये वाला विल नॉट शो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर सकता है। कोई कंफ्यूजन? जल्दी फटाक से नोट करें, फिर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी अगर देखें तो कार्बन है, इधर ए रख देते हैं, इधर बी रख देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, ये और ये सेम प्लेन पे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लेते हैं इसका py इसके py से बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड दोनों को सेम प्लेन पे रहना ही पड़ेगा। ये py मान लिए, ये भी py ही होगा, इसमें कोई इशू तो है नहीं। अब बगल वाले कार्बन से जो बॉन्ड बन रहा है इसके बारे में सोचिए, बगल वाले कार्बन से जो बॉन्ड बन रहा है तो ये कभी py से बॉन्ड नहीं बना सकते है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का py ऑक्यूपाइड है, इसके साथ इसके साथ ये py py ऑक्यूपाई हो चुका है। दैट मींस इसका जब भी होगा या तो px या तो pz करेगा पाई बॉन्ड। मान लेते हैं pz कर रहा है, तो इसका क्या हुआ, pz और pz मिलाकर आपस में पाई बॉन्ड बना लिया। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? अब इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट कार्बन पे आएंगे, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां पे चेक करें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको बनाना है पाई बॉन्ड। अब सोचें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में pz यूज नहीं हो सकता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बगल वाले कार्बन का pz ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, pz के परपेंडिकुलर, दैट मींस py, इसका py यूज करेंगे, इसका भी py यूज करेंगे। और ये जो आपका बन गया थर्ड डबल बॉन्ड बन गया, दैट मींस ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड सेम प्लेन पे आ गए, दैट मींस ये जो c और d थे ये भी सेम प्लेन पे आ गए। A, B, C and D are in same plane. जब same plane पे आ जाएंगे तो इसको plane of paper बोल सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक का distance देखिए, length of paper, यहां से यहां तक का distance देखिए, diagonal of paper। क्या दोनों length बराबर होगा? नहीं होगा। That means L1 is not equal to L2। ये हमारा condition satisfy कर रहा है geometrical isomerism के लिए। कोई कंफ्यूजन? दैट मींस इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में GI इज पॉसिबल। कोई कंफ्यूजन? अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाकर सोचते हैं, मान लेते हैं एक और कार्बन रहता आगे, एक और कार्बन रहता आगे तो चार डबल बॉन्ड हो जाते। चार डबल बॉन्ड का मतलब PY अब वापस से बॉन्ड नहीं बना सकता है पाई बॉन्ड, pz को ही बनाना पड़ेगा आगे वाले से। जब pz वाला आगे से बॉन्ड बनाएगा तो वापस से c और d कहां चले जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो वापस से ये स्ट्रक्चर रिपीट होता रहेगा, क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। ह्यूमुलिन्स जो है दो तरह से मैं बांट रहा हूं, विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, जैसे अभी हमने देखा दो लगातार डबल बॉन्ड या चार लगातार डबल बॉन्ड या छह लगातार डबल बॉन्ड, ठीक। तो उसमें आप क्या देख रहे थे
ये मैं जनरल चीजें बता रहा हूं। इसका पी वाई इसके पी वाई से, इसका पी जेड इसके पी जेड से पाई बॉन्ड बना है। ये चीज था। इस केस में हम क्या देख रहे थे, L1 बराबर L2 आ रहा है और यहां पर कंडीशन है नो जीआई का, जो मेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में पॉसिबल नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे पहला दो कंडीशन आपको चेक करना ही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या था, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया है अलग अलग ग्रुप दे रखा है हमने। थर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, एल वन बराबर एल टू आ रहा है इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो जब भी कोई क्यूमुलिन, क्यूमुलिन का मतलब लगातार डबल बॉन्ड है, लगातार डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एल वन बराबर एल टू आ रहा है, ए बी और सी ये अगर सेम प्लेन पे मान रहे हैं तो ये जो सी एटम है प्लेन के ऊपर आ रहा है, ये डी एटम प्लेन के नीचे आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं विथ ऑड नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। अगर आप ऑड नंबर लेते हैं तो सबसे पहला ऑड नंबर तो वन ही हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो तो उसका केस तो आपको पता ही है, वही केस आप जनरलाइज कर सकते हैं। वन में भी वही होगा, थ्री में भी वही होगा, फाइव में भी वही होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी पॉसिबल। क्लियर है? खैर एक बार फिर से देखते हैं, ए बी इसका पी वाई इसके पी वाई से पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका पी जेड इसके पी जेड से पाई बॉन्ड बना रहा है, फिर से इसका पी वाई इसके पी वाई से पाई बॉन्ड बना रहा है। जब ये पाई बॉन्ड सेम प्लेन में आ गए, दैट मींस ये सारे एटम सेम प्लेन में आ गए। क्लियर? और इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, एल वन इज नॉट इक्वल टू एल टू, ये लेंथ हो गया, ये डायगनल हो गया। जब एल वन इक्वल नॉट इक्वल टू एल टू आ रहा है, दैट मींस जी आई इज पॉसिबल। आई होप काफी हद तक आपको क्यूमुलिन का केस क्लियर होगा। क्यूमुलिन आपको पहचानने का तरीका बता दिए, लगातार डबल बॉन्ड होना चाहिए। लगातार डबल बॉन्ड है तो आप आराम से देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगातार दो आ रहे हैं, दैट मींस प्लेन चेंज हो रहा है टर्मिनल एटम का। ए बी अगर किसी प्लेन में है, ए प्लेन में है, तो सी डी आपका प्लेन चेंज करेंगे, बी प्लेन में आएंगे। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगातार इवन। क्लियर? और यहां पर देखें, ए बी को मान लें ए प्लेन में, दैट मींस सी और डी सेम प्लेन में होंगे, मतलब ए बी भी अगर ए प्लेन में है तो सी डी भी यहां पे ए प्लेन में होगा। ये कौन सा केस है, जब ऑड नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी रहे। क्लियर है बात? यहां पे प्लेन चेंज हो रहा है, ए एंड बी आर प्लेन। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? फटाफट नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करें तो बच्चों, अभी तक हमने जो किया उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में आपको प्रेडिक्ट यही करना है कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले से। पहले में अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड भी है और रिंग भी है। जब पाई बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे तो दोनों तरफ से सेम ग्रुप आ रहा है, करेक्ट? That means इस पाई बॉन्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, इस पाई बॉन्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर तो हाइड्रोजन और सी एस थ्री है, दो अलग अलग ग्रुप है। लेकिन इस तरफ इधर से जाएं या इधर से जाएं, आपको सेम ग्रुप मिल रहा है। पहले कार्बन पे सी एस टू, दूसरे कार्बन पे सी एस थ्री बी आर। यहां पर देखेंगे तो पहले कार्बन पे सी एस टू, दूसरे कार्बन पे सी एस थ्री बी आर। तो दोनों तरफ में से किसी से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स यहां पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो पाई बॉन्ड के हिसाब से नहीं करेगा शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वहीं रिंग के हिसाब से देखें तो रिंग के हिसाब से इस पर्टिकुलर कार्बन पे तो दो अलग अलग ग्रुप हैं और किसी कार्बन पे है नहीं, करेक्ट? दैट मीन्स ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज?
कोई कंफ्यूजन इस चीज में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पाइवोट सीरीज में प्रेजेंट है, जिसको हम क्यूमुलिन बोलते थे, प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अब आप चेक करेंगे टर्मिनल एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है आपको दो डिफरेंट ग्रुप, तो सेकेंड कंडीशन भी सैटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या था, L1 नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता है कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहे अगर ये क्यूमुलिन में, राइट right? यहां पे देखिए एक दो तीन ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ना, थ्री ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो इस केस में L1 नॉट इक्वल टू L2 है, देयरफॉर GI इज पॉसिबल, इसमें GI होगा। क्लियर है ये चीज, कोई कंफ्यूजन? अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मजेदार बनते हैं, इनफैक्ट मैं आपको थोड़े देर में एक तरीका बताने वाला हूं जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन हो मोटा मोटी आप कर पाएंगे, किसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दे दे आप आराम से कर पाएंगे। जैसे यहां पर शुरू करते हैं, जब आप यहां पर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि CH3 तो है, यहां पे हाइड्रोजन हिडन है, क्लियर? यहां पर भी CH3 तो है, हाइड्रोजन हिडन है, राइट? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्लियर? अब सोचे, मान लेते हैं ये किसी ए प्लेन में है, ये CH3 और H ए प्लेन में है, और ये sp3 कार्बन है, दैट मींस ये दोनों जो एटम होंगे वो अपना प्लेन चेंज कर चुके होंगे, क्योंकि sp3 क्या होता है, ये प्लेन में रहे तो एक प्लेन के ऊपर होता है, दूसरा प्लेन के नीचे होता है। मैं क्या मान रहा हूं, ये तीनों एक प्लेन में, यहां पे मैंने मान लिया इसको ए प्लेन, दैट मींस ये तीनों दूसरे प्लेन में होंगे, बी प्लेन में, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? तो इसको बी प्लेन मान लिया मैंने, करेक्ट। अब सोचे ये sp2 है, ये sp2 है, तो सिंगल डबल बॉन्ड रहे, एक ही डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या प्लेन चेंज होता है, नहीं होता है, तो आपको पता है सेम प्लेन में रहेंगे, दैट मींस ये अगर प्लेन बी है तो ये भी कौन सा प्लेन होगा, बी होगा, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं वापस से, ये सी एस थ्री और एच का केस देखें, जब ये बी प्लेन है तो उसके बगल वाला प्लेन कौन सा होगा, ये वापस से एसपी थ्री कार्बन आ गया, तो बी प्लेन था एसपी थ्री कार्बन के बाद वापस से प्लेन चेंज होगा, कहां पहुंच गया, वापस से ए पे, क्लियर? That means ये दोनों जो एटम है टर्मिनल ग्रुप्स और ये दोनों जो एटम है टर्मिनल ग्रुप्स वो सेम प्लेन पे है या अलग अलग प्लेन पे, सेम प्लेन पे, क्लियर? सेम प्लेन वाला केस क्या था, L1 और L2 डिफरेंट आ रहा था, L1 और L2 डिफरेंट आ रहा था, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, क्लियर? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। इस चीज को वापस से एक्सप्लेन करेंगे आगे के भी क्वेश्चन में, अभी थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करें तो रिंग है, पाई बॉन्ड है, रिंग है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डन। टर्मिनल ग्रुप्स देखेंगे, टर्मिनल ग्रुप्स क्या है, सी एस थ्री और एच, सी एस थ्री और एच अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आपको देखना था एल वन और एल टू के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर सेम प्लेन में आएंगे तो एल वन और एल टू अलग अलग होगा, अगर डिफरेंट प्लेन में आएंगे तो एल वन और एल टू इक्वल होगा। तो यहां पर हमने चेक कर लिया, ये अगर एक प्लेन ए माना तो ये भी प्लेन ए में आया, जब प्लेन ए सेम प्लेन में आ गए दैट मींस आपको पता है L1 और L2 बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है L1 L2 तो आप इसको कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई कंफ्यूजन? यहां पर देखते हैं फोर्थ में, फोर्थ में अगर देखें तो पाई बॉन्ड के हिसाब से सोचा जाए, अगर पाई बॉन्ड के हिसाब से सोचा जाए तो ये H है, ये CH3 है, ये तो दो अलग अलग ग्रुप हो गए, लेकिन यहां से आप जाएं या यहां से आप जाएं दोनों तरफ से सेम ग्रुप मिल रहे हैं, दैट मींस इस पाई बॉन्ड के हिसाब से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। भाई रिंग के बारे में सोचें, तो रिंग के बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे एक D जुड़ा हुआ है, दूसरा H है, एक D जुड़ा हुआ है, दूसरा H है,
अब आपको पता है रिंग में दो एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, करेक्ट? तो इस एटम और इस एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, दो अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तो दो अलग ग्रुप जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि L1 और L2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो L1 और L2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप खुद देख रहे हैं रिंग है, दैट मींस दो एटम प्लेन के ऊपर होंगे, दो एटम प्लेन के नीचे होंगे, L1 और L2 बराबर नहीं हो सकता। दैट मींस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। किसके वजह से? रिंग के वजह से करेगा, पाई बॉन्ड का कोई योगदान नहीं होगा उसमें, क्लियर है? यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो वापस से वही सोचते हैं पाई बॉन्ड के हिसाब से। जब पाई बॉन्ड के हिसाब से सोचेंगे तो ये एच, ये सी एच थ्री, दो अलग अलग ग्रुप हो गए, करेक्ट? ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए। फिर आप इस कार्बन की तरफ देखें तो इधर से जाएंगे तो ये सी एच थ्री एक्स्ट्रा मिल रहा है, एमई ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा मिल रहा है, इधर से वो चीज नहीं मिल रही है। दैट मीन्स इधर भी दो अलग अलग ग्रुप हो गए। तो आपका कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, है, मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, मिल गया आपको। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मींस L1 नॉट इक्वल टू L2 आएगा, दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पाई बॉन्ड के हिसाब से पॉसिबल होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब इस रिंग के बारे में देखेंगे इंफॉर्मेशन, तो रिंग में दो, इस कार्बन पे देखेंगे एमी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे भी एमी ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब आप यहां पे देखेंगे तो ये sp3 कार्बन है, दोनों पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है दो एटम के बीच में रिंग में, दो अलग अलग ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, क्लियर? और L1 और L2, तो रिंग के हिसाब से देखेंगे दो ग्रुप ऊपर होंगे रिंग के, दो ग्रुप नीचे होंगे रिंग के, दैट मीन्स L1 और L2 इक्वल नहीं हो सकते। That means यहां पर भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो पाई में भी पॉसिबल हो रहा है, पाई बॉन्ड के हिसाब से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो रहा है, और रिंग के हिसाब से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो दोनों केस में यहां पर पॉसिबल होगा, क्लियर है? यहां पर देखेंगे, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा आप ऐसे ही सोचेंगे जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। यहां पे क्या करें, सीएल और बीआर का कोई एक प्लेन मान ले, ए, कोई भी रैंडम सा प्लेन मान ले। अब यहां पे एक ही डबल बॉन्ड है, दैट मींस टर्मिनल जो एटम होंगे वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे, प्लेनर होता है ना, दैट मींस ये भी ए प्लेन होगा। कोई कंफ्यूजन? इस कार्बन से ये और ये जुड़ा हुआ है और ये भी ए प्लेन होना कंपलसरी है, राइट? उसके बाद देखें, ये जब ए प्लेन है, सेम लॉजिक लगाएं, जब ये इस प्लेन में है, यहां पे एक ही डबल बॉन्ड है, दैट मींस टर्मिनल एटम्स हमेशा सेम प्लेन में होंगे, जब ये ए प्लेन है तो ये भी ए ही प्लेन होगा। दैट मींस ये टर्मिनल एटम्स और ये टर्मिनल एटम्स सेम प्लेन में आ गए। जब सेम प्लेन में आ गए दोनों टर्मिनल एटम्स, दैट मींस L1 नॉट इक्वल टू L2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल आ रहा है, क्लियर? फिर से देखना है तो एक बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया यहां पे, पहला कंडीशन लगाया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद देखेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एंड्स है वहां पर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तो CLPR, वो कंडीशन भी सैटिस्फाइड। फिर आप देख रहे हैं L1 और L2 के बारे में इंफॉर्मेशन, L1 और L2 कब सेम, ये कब इक्वल होता है, जब दोनों सेम प्लेन में ना हो, ये ग्रुप भी और ये ग्रुप भी सेम प्लेन में ना हो तब इक्वल होता है L1 L2, और अगर सेम प्लेन में आ जाए तो अनइक्वल होता है। अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वही चीज यहां पे अप्लाई किया है, ये सेम प्लेन में आ रहा है, सेम प्लेन में आने का मतलब क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करें, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे इस तरह के जो कि आप खुद से करेंगे, अभी के लिए नोट करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया क्यूमुलिन का केस, अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं स्पाइरेंस के केस में। टॉपिक डाल लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन
तो नॉमेनक्लेचर के टाइम पे बच्चों आपको बता दिया था कि स्पाइरेंस या स्पाइरो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्पाइरो स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि लगातार रिंग्स बने, राइट। तो एक बार स्पाइरेंस को डिफाइन करते हैं। स्पाइरेंस द मॉलिक्यूल्स विच हैज मोर देन टू या which has two or more than two continuous ring structures are called spirings। ये चीज आपको nomenclature में बता रखी थी, इसके examples क्या हो जाएंगे। चलिए एक रिंग बना दिया CLPR, दूसरा रिंग बना दिया CLBR। दो या दो से ज्यादा रिंग लगातार होना चाहिए तो उसको आप बोलेंगे स्पाइरेंस। ये क्या है, स्पाइरेन हो गया। यहां पर नंबर ऑफ रिंग्स कितने हो गए, तीन, तो ये भी स्पाइरेन हो गया। तो इस केस के बारे में अलग से एक बार डिफाइन कर लेते हैं, इस केस के बारे में अलग से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा इसमें अप्लाई होगा, बहुत ध्यान रखें। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 cl, ये कार्बन हो गया br। अब मैं जब इन तीनों को एक ही प्लेन में मानूं, दैट मींस जो ये वाला एटम है वो वेज के तरफ जाएगा, जो नीचे वाला एटम है वो डैश के तरफ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में, क्योंकि sp3 है। देखिए यही चीज मैं बता रहा था, sp3 से क्रॉस कर रहा है तो प्लेन चेंज कर रहा है, इसको ए माना था मैंने तो इसको बी मान लिया था फिर, राइट। अब देखें ये चीज कनेक्टेड है नेक्स्ट एटम से, तो नेक्स्ट एटम बना लेते हैं। अब ये जब भी आएगा ऊपर ही से नीचे की तरफ आएगा, दैट मींस ये भी वेज बॉन्ड होगा, ये भी डैश बॉन्ड होगा। कोई कंफ्यूजन, आप पहुंच चुके हैं इस कार्बन तक, ये भी आपका क्या है sp3। अब देखें ये अबव द प्लेन आ चुका है, ये बिलो द प्लेन आ चुका है, दैट मींस बाकी जो दो एटम होंगे यहां पे वो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो आप इसको ऐसे बना लें, करेक्ट, सेम प्लेन में होंगे, कोई दिक्कत इस चीज में। चलिए रिंग कंप्लीट किए सेम प्लेन से, नेक्स्ट कार्बन तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। अब ये वापस से क्या है आपका, sp3 कार्बन है, इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपने प्लेन में ले लिया, दैट मींस रिमेनिंग दोनों बॉन्ड क्या होंगे, sp3 क्या होता है, इस टाइप से होता है, ये आपने सेम प्लेन में ले लिया तो ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन जाएगा, तो वही काम यहां पे होगा। ये अबव द प्लेन गया एक एटम, एक बिलो द प्लेन गया एटम, कोई कंफ्यूजन। अब यहां पर देखें ये प्लेन भी, इसको ओरिजिनल प्लेन ए माने थे तो प्लेन चेंज हुआ, यहां पर वापस से sp3 कार्बन से पास किया तो फिर से प्लेन चेंज हुआ, वापस से ए में पहुंचे, ये और ये सेम प्लेन हो गया। वापस से sp3 कार्बन पार किया, ये क्या हो गया, प्लेन बी हो गया, दूसरा प्लेन हो गया, करेक्ट। तो मैं आपको यही बोल रहा था, अगर दोनों अलग अलग प्लेन में टर्मिनल एटम्स हो, टर्मिनल ग्रुप्स हो, तो L1 इक्वल टू L2 होता है। अगर सेम प्लेन में हो तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होता है। अब L1 इक्वल टू L2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अगर L1 नॉट इक्वल टू L2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिंपल तो है, क्लियर। तो यहां पर क्या था CL, यहां पर क्या था BR, क्लियर। दैट मींस टर्मिनल एटम्स आर नॉट इन
सेम प्लेन, टर्मिनल एटम सेम प्लेन में नहीं है, दैट मीन्स L1 इक्वल टू L2 आ रहा है और इस केस में नो जी आई हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी, कौन से केस में? इस केस में नो जी आई हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में शो नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा वाला केस समझते हैं, इसको मिटाया जाए। जब आप दूसरे केस में भी जाएंगे तो शुरुआत आप ऐसे ही करें, इसको आप प्लेन ए मान लें, तो ये बना दिया मैंने एसपी थ्री पार कर रहे हैं आप, तो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा प्लेन बी, तो ये प्लेन बी पे पहुंच गए, फिर से एसपी थ्री पार कर रहे हैं आप, तो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा वापस से प्लेन ए, ये प्लेन ए पे पहुंच गए आप, फिर से एसपी थ्री पार कर रहे हैं आप, फिर से ये दूसरा प्लेन हो जाएगा प्लेन बी, तो यहां पर क्या होगा आपको आगे बनाना पड़ेगा, ये प्लेन बी पे आप पहुंच गए, करेक्ट। अब नेक्स्ट एसपी थ्री पार करेंगे आप, तो कहां पहुंच रहे हैं? ये अबव द प्लेन था, बिलो द प्लेन था, तो बाकी दोनों बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा? सेम प्लेन में आना पड़ेगा, सीएल बी आर आ गया सेम प्लेन में। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? काफी आसान स्ट्रक्चर है ये सीएल, ये चारों टर्मिनल आइटम्स सेम प्लेन में हो गए, आपको दिख भी रहा है ये बी था, एसपी थ्री पार किए तो आप ए पे पहुंच गए। क्लियर? यहां पर आप क्या देख रहे हैं? ऑल टर्मिनल ग्रुप्स आर इन सेम प्लेन, जितने भी टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में, जब सेम प्लेन में है तो आप क्या देख रहे हैं? L1 नॉट इक्वल टू L2, therefore GI is possible। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? तो ये भी कुछ उसी टाइप का रूल फॉलो कर रहा है, अगर दो रिंग रहे किसी स्पाइरेंस में, सिर्फ दो रिंग या इवन नंबर ऑफ रिंग्स रहे, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको उतना भी नहीं याद रखना है तो ये तरीका याद रखें प्लेन चेंज करने का, आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल बॉन्डिंग की चीजें आती हैं तो आप आराम से प्लेन देखकर भी बता सकते हैं, सेम प्लेन में आ रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, नहीं आ रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, सिंपल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? चलिए जनरल स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, ये फटाफट नोट करें। तो स्पाइरेंस के केस को अगर जनरलाइज किया जाए तो स्पाइरेंस के भी दो केस निकल के आ सकते हैं, पहला विथ इवन नंबर ऑफ रिंग्स, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग रहा तो टर्मिनल एटम्स या ग्रुप्स लाइक इन डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन में होगा तो L1 इक्वल टू L2 होगा, दैट मीन्स नो जी आई। ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, इवन नंबर ऑफ रिंग्स अगर मिल रहा है, स्पाइरेन सिस्टम, स्पाइरेन आपका लगातार रिंग होता है, क्लियर है? तो इवन नंबर ऑफ रिंग्स मिल रहे हैं तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। वहीं यहां पर अगर आप देखें ऐसा स्पाइरेन मिले विथ ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स मिले अगर, तो आप क्या देखते हैं? टर्मिनल ग्रुप्स लाइक इन सेम प्लेन, दैट मींस L1 नॉट इक्वल टू L2, L1 नॉट इक्वल टू L2 है, दैट मींस GE GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा।
तो आपके जो केसेस बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। या फिर आपको तरीका पता है, केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया है, आप प्लेन चेंज करा करा के आप देखते जाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, सारे रूल्स आपको पता है। तो फटाफट नोट करें, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे। तो बच्चों अभी हमने स्पाइरेंस के बारे में समझा, स्पाइरेंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा। इससे पहले हमने क्यूमुलिन्स वगैरह के केसेस देख रखे हैं, रिंग्स वगैरह के केसेस देख रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका वही है, आपको पहचानना है इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो टर्मिनल कार्बन देखा जाए, अब रिंग्स प्रेजेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन टर्मिनल कार्बन पे आप देखेंगे तो इधर दो अलग अलग ग्रुप है, इधर सेम ग्रुप हो गया, तो इधर इसके आगे सोचना ही नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है। क्लियर है ये चीज, कोई कंफ्यूजन इस चीज में। यहां पर देखेंगे तो देखें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, रिंग और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सीरीज में, उसके बाद देखेंगे टर्मिनल पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट भी है, कोई इश्यू नहीं है इस चीज में, क्लियर। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या है, L1 और L2 देखना, उसके लिए प्लेनैरिटी चेक कर लेते हैं। इसको मान लीजिए प्लेन ए sp3 पार की है, प्लेन चेंज होगा ये प्लेन बी हो गया, फिर से sp3 पार की है, वापस से प्लेन ए आ गए, कोई कंफ्यूजन। अब देखें एक अकेला सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम सेम प्लेन में होंगे, एक अकेला डबल बॉन्ड है तो ये सेम प्लेन में होंगे, दैट मींस ये कौन सा है, ए ही प्लेन होगा। फिर वापस से आप sp3 पार कर रहे हैं, दैट मींस ये प्लेन चेंज होके बी आ जाएगा, क्लियर है। अब आप यहां पे देखें, शुरुआत आपने कहां से किया था, ए प्लेन से, एंड आप कहां पे कर रहे हैं, बी प्लेन पे, दैट मींस जो टर्मिनल एटम्स हैं, टर्मिनल ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग प्लेन पे हैं, और जब टर्मिनल ग्रुप्स अलग अलग प्लेन पे हैं तो आपको क्या बताएगा, L1 और L2 क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, L1 इक्वल टू L2 आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में। इतना ही सिंपल है, क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन बनाने का तरीका इतना ही सिंपल होता है, थोड़ा बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया लगाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए स्ट्रक्चर में आते हैं, स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहां पर भी कॉम्प्लेक्स चीजें प्रेजेंट है, लेकिन टर्मिनल एटम्स पे देखें तो इस कार्बन पे देखेंगे एक ग्रुप दो ग्रुप अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ही होगा, यहां पर दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस कार्बन पे देखिए डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस सेकंड कंडीशन भी सैटिस्फाइड। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं, तो थर्ड कंडीशन के लिए क्या देखना था, प्लेन, सेम प्लेन में आ रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा, वही चीज तो खुद देख रहे, मान लेते इसको एक प्लेन, क्या दिक्कत। अब देखिए एक अकेला डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम सेम प्लेन में होगा, ये तो डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टी है, दैट मींस ये भी एक प्लेन हो गया, जो प्लेन ये वही प्लेन ये। अब आप क्या कर रहे हैं, sp3 कार्बन पार कर रहे हैं तो प्लेन चेंज करेगा, ये बी हो जाएगा, फिर से आप क्या कर रहे हैं, sp3 कार्बन पार कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ए प्लेन हो जाएगा, दैट मींस शुरुआत आपने जिस प्लेन से किया था एंड भी आप उसी प्लेन पे कर रहे हैं, और जब प्लेन सेम हो दैट मींस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इस चीज में। आइए फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे देखेंगे तो Cl है हाइड्रोजन है, और इधर भी टर्मिनल पे देखेंगे लेकिन टर्मिनल पे ये दोनों सेम ग्रुप हो गए, जब दोनों सेम ग्रुप हो गए तो आपको क्या कहना है, पहला स्टेप आप देख रहे थे, पहला कंडीशन देख रहे थे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए वो है,
सेकंड क्या था, टर्मिनल एटम्स पे दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे Cl और H तो अलग अलग है लेकिन यहाँ पे दोनों CH3 सेम हो गया, दैट मीन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, उसके आगे हम सोचेंगे ही नहीं। क्लियर? इस क्वेश्चन पे आप इस क्वेश्चन पे देखेंगे Cl और H है, यहां पर भी Cl और H, राइट। अब आप चेक करें, इसको A मान लें, sp3 पार किए ये B आ गया, sp3 पार किए ये A आ गया, sp3 पार किए ये फिर से B आ गया, sp3 पार किए ये फिर से A आ गया। That means ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, यहां पर देखिए यहीं पर दो अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, राइट। तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपके सेम प्लेन पे लाई कर गए। जब ये दोनों टर्मिनल सेम प्लेन पे लाई कर गए दैट मीन्स आपका क्या होगा, GI is possible, same plane मतलब L1 not equal to it। बहुत ही आसान तरीके का सवाल होता है, बस देखने में खतरनाक होता है, बहुत ही आसान। चलिए यहां पर चेक करेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। BR के साथ यहां पे H होगा, CH3 के साथ भी यहां पे H होगा, हिडन है वो। अब आप सोचे इसको मान लेते हैं A, देखिए पहला दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। सेकेंड चीज आप क्या देखेंगे, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो इस कार्बन पे ब्रोमीन और एच, इस कार्बन पे सी एस थ्री और एच, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ साथ अलग अलग ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब आप क्या चेक करेंगे, एल वन और एल टू का इंफॉर्मेशन, तो इसको ए मान लिया, एसपी थ्री से क्रॉस किए तो ये बी हो गया। अब सोचे ये वापस से क्या आ गया, क्यूमुलिन का केस। क्यूमुलिन के केस में आप देख रहे थे कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो प्लेन चेंज होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो सेम प्लेन में रहता है। दैट मींस यहां पे आप क्या देख रहे हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, दैट मींस ये जो टर्मिनल एटम है ये प्लेन चेंज करेगा, क्योंकि विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लेन चेंज होता था। क्लियर? तो ये ए हो गया। जब ये ए है और ये एक अकेला डबल बॉन्ड, दैट मींस इसके वाले टर्मिनल ग्रुप भी सेम प्लेन में होंगे, ये भी प्लेन ए होगा, दैट मीन्स ये प्लेन और ये प्लेन सेम है, टर्मिनल ग्रुप्स के प्लेन सेम है। जब टर्मिनल ग्रुप्स के प्लेन सेम होते हैं तो आप क्या बोलते हो, L1 नॉट इक्वल टू L2 है, दैट मीन्स GI पॉसिबल है। कोई कंफ्यूजन थोड़ी सी भी इस चीज में? चलिए फटाफट नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर। तो बच्चों अभी तक हमने देख लिया है स्पाइरेंस तक का केस, स्पाइरेंस अगर रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। हम अगले टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन्स। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड का प्रेजेंट हो, साइक्लो एक साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंस हो। आप अगर देखें ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये सारे क्या हैं, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब दो सिमिलर ग्रुप जो है वो सेम साइड जुड़े हुए। तो अब देखेंगे यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ा है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ा है, हर केस में वही है, ये सिस फॉर्म। और इन सारे केसेस में, ये सारे सिस फॉर्म है, इन सारे केसेस में ट्रांस कांट एग्जिस्ट, ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक बार समझेंगे। ये मान लेते हैं कार्बन है, एक आपने इधर भेजा दूसरा आपने इधर भेजा, तभी तो ट्रांस होगा, ग्रुप्स अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए डबल बॉन्ड से। अब आप सोचें ये और ये कितना दूर है, क्या ये कभी आपस में बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। क्लियर? इसलिए ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ट्रांस कांट एग्जिस्ट टिल
साइक्लोहेप्टीन तक के केस में हेप्टीन का मतलब सात कार्बन होना चाहिए, साइक्लोहेप्टीन तक के केस में आपका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग साइक्लोऑक्टीन में आते हैं ट्रांसफॉर्म का प्रेजेंस आ जाता है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म हो जाता है, भले कितना भी अनस्टेबल हो, कैसा भी हो नेचर में, लेकिन फॉर्म हो जाता है, वो चीजें आइसोलेट की जा सकती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो इसके आगे हम लिख सकते हैं फ्रॉम साइक्लो ऑक्टीन ट्रांसफॉर्म ऑल्सो एग्जिस्ट, देयरफॉर जीआई इज पॉसिबल फ्रॉम साइक्लो ऑक्टीन ऑनवर्ड्स। मतलब साइक्लो ऑक्टीन या उसके ऊपर जाए, साइक्लो नॉनीन साइक्लो डेकीन में जाए तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। कैसे, एक बार ये नोट करें फिर आपको बताते हैं। ये आपका साइक्लो ऑक्टीन हो गया, चेक कर लेंगे तो आठ कार्बन है यहां पे, आठ कार्बन आपको मिल जाएंगे। इसका ट्रांस अगर आप बनाना चाहें ये आपका सिस फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। ये एग्जिस्ट आपका करता है, क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। अब आपका ये कार्बन और ये कार्बन आपस में अटैच हो सकता है क्योंकि बीच में बहुत सारे कार्बन आपको एडिशनल मिल गए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो साइक्लो ऑक्टीन का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वही आठ कार्बन से कम वाले रिंग देखेंगे तो उसमें आपका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो थ्री मेंबर से सेवन मेंबर रिंग तक अगर जाएंगे तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल नहीं हो, राइट? और जैसे ही आप साइक्लोऑक्टीन में आठ मेंबर रिंग के आगे बढ़े तो आपका पॉसिबल हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर ध्यान देंगे ये साइक्लोऑक्टीन है, साइक्लोअल्कीन है, साइक्लो अल्केन नहीं। मतलब नॉर्मल रिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिंग हो लेकिन हम किसके हिसाब से देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इस पाई बॉन्ड के हिसाब से, इस डबल बॉन्ड के हिसाब से देख रहे हैं। किसके हिसाब से देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इस डबल बॉन्ड के हिसाब से देख, राइट? कोई कंफ्यूजन इस चीज में? चलिए जल्दी नोट करेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आठ मेंबर रिंग से अगर कम छोटा रिंग है और अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा पाई बॉन्ड के वजह से, डबल बॉन्ड के वजह से। लेकिन अगर आठ मेंबर रिंग है या उससे बड़ा रिंग है तो पाई बॉन्ड के वजह से, डबल बॉन्ड के वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा केस साइक्लो अल्कीन का। साइक्लो अल्कीन के केस में आपको ये चीज याद रखनी है कि आठ मेंबर रिंग या उससे बड़ा रिंग हो तो पाई बॉन्ड के वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफेनाइल्स। फेनाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, इसको हम बोलते हैं फेनाइल रिंग। इस चीज को हम बोलते हैं फिनाइल। और बाइफिनाइल का क्या मतलब है? कि बाई का मतलब दो, दैट मीन दो फिनाइल रिंग होंगे। कुछ इस टाइप का, दिस इज व्हाट बाइफिनाइल। अब आपको ये चीज यहां पे समझना पड़ेगा
कि इस रिंग और इस रिंग के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, दैट मींस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आपका यहां पे होगा। जब यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा दैट मींस रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, आप फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज, यहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसके आगे ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, कैसे आगे चेक करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, आपको ये चीज पता है ये रिंग क्या है, प्लेन है, एक ही प्लेन में तभी रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस वगैरह तो आपको कंडीशंस पता होंगे, रेजोनेंस कराना आता हो। यहां पर देखें आपको क्या चेक करना था, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, तो एफ और एफ अलग अलग है, यहां पे देखें एफ और एफ के बीच में दूरी इसको एल वन मान लें, यहां पर देखें एफ और एफ के बीच में दूरी इसको एल टू मान लें। क्या एल वन और एल टू बराबर है? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं, प्लेनर मॉलिक्यूल ने आपको बोल ही दिया है कि अगर सेम प्लेन में है तो लेंथ बराबर नहीं होता है, That means L1 not equal to L2, therefore GI is possible. कोई confusion इस चीज में? अब बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहला कंडीशन तो चलिए ठीक है आप लगा दिए, तीसरा कंडीशन चलिए ठीक है आप लगा दिए, लेकिन दूसरा कंडीशन दो अलग अलग ग्रुप का, तो यहां पर आप मान सकते हैं कि आप इससे कंपेरिजन कर, जहां पे आप इंटरचेंज कर रहे हैं उस कार्बन को देखिए, वहां से आप इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे इस क्लोरीन को हटा के आपने यहां पे लगाया ये हाइड्रोजन था यहां, क्लियर है चीज, कोई कंफ्यूजन? और ये सेम प्लेन में होगा, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, और sp2 मतलब प्लेन, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? जल्दी नोट करें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपका वही है, अभी भी आपको क्या सोचना है, क्या प्रेडिक्ट करना है, इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें। चलिए बारी बारी से एक करके देख लेते हैं, पहला कंपाउंड अगर देखेंगे, पहला मॉलिक्यूल अगर देखेंगे तो यहां पर और यहां पर दो अलग अलग ग्रुप है, लेकिन यहां पर और यहां पर सिमेट्रिकली प्लेस्ड सेम दो, इस रिंग में पूरी पूरी सिमेट्री, सिमेट्रिकली प्लेस्ड दो ग्रुप है, दैट मींस ये ग्रुप और ये ग्रुप आइडेंटिकल है, ये जो मेटिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप थे, ये सेकंड चैन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, नेक्स्ट देखेंगे अलग-अलग ग्रुप होना चाहिए, है सेम प्लेन में लाई कर रहा है, ये आपको पता है प्लेनर होता है बाइफिनाइट, दैट मींस L1 नॉट इक्वल टू L2, जो मेटिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर? यहां पर देखेंगे, यहां पर बाइफेनाइल है, लेकिन यहां पर आपको कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म से पहले कुछ टॉपिक्स बताए, जैसे वैंडरवाल स्ट्रिंग, स्टेरिक रिपल्शन जिसको बोलते हैं, ये आई क्या है, आयोडीन एटम, बहुत बड़ा एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा होता है, ये आई क्या है, बड़ा एटम, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो आपका अब रिंग प्लेनर नहीं रह जाएगा, इस रिपल्शन के वजह से ये रिंग क्या हुआ, रोटेट कर गया, रोटेट करके ये ऊपर आ गया, ये नीचे रह गया, प्लेन चेंज हो गया, जब प्लेन चेंज हो गया तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, क्लियर है, तो नो जीरो।
कोई कंफ्यूजन इस चीज में? यहां पर देखेंगे, यहां पर भी देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर स्टीरिक रिपल्शन हो, यहां पर स्टीरिक रिपल्शन हो, ये ग्रुप घूमेगा। यहां पर भी स्टीरिक रिपल्शन होगा, यहां पर भी स्टीरिक रिपल्शन होगा, ये ग्रुप जो है घूमा। जैसे ही ये बीच वाला रिंग घूमा, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और क्लोरीन, स्टीरिक रिपल्शन कम हो गया। दैट मीन्स ये अलग प्लेन में आ गए, ये और ये अलग प्लेन में आ गए। एक बार बना लेते हैं स्ट्रक्चर की। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ये दिखा रहे हैं आपका इस टाइप का प्लेन है, ये आपका प्लेन एकदम चेंज हो गया, ये वापस से सेम प्लेन हो गया। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्ट नहीं होगा, इसके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखें अभी भी ये रिंग और ये रिंग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं घूम सकता है, स्टेरिक रिपल्शन घूमने भी नहीं देगा। जैसे ही ये घूमना चाहेगा क्या होगा, आयोडीन और ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन में वापस से रिपल्शन चालू हो जाएगा, नहीं घूमेगा। दैट मींस ये और ये रिंग कोप्लेनर हो गया, सेम प्लेन में हो गया। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मेरा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। सेकंड कंडीशन क्या है आपका, अलग अलग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, वो भी है। थर्ड कंडीशन क्या है आपका, L1 नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए, वो भी है। दैट मींस ये स्ट्रक्चर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है? तो बच्चों अभी तक हमने सीख लिया है हर एक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में, कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझ ली। अब आगे के क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करने वाले हैं। जैसे अभी आपको जनरल भाषा में बता रहे थे, सिस होता है, ट्रांस होता है, और भी तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं, जैसे EZ nomenclature होता है, SIN anti nomenclature होता है। ये सारे चीजों के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।